हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आए हैं यूनिट सर्कल पर रेडियन को कैसे अरेंज करेंगे उस चीज़ की डिस्कस करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपका स्वागत करता हूं आज के क्लास में। तो स्टूडेंट का सबसे बड़ा टेंशन यह होता है कि सर एंगल्स को निकालने के लिए तो आगे हम लोग सीख लेते हैं या हमें पता भी है कैसे, लेकिन एंगल को अरेंज करेंगे यूनिट सर्कल में रेडियन के फॉर्म में कैसे ईजीली बहुत कम टाइम में कैसे एंगल को लिख पाएँ, तो ये बहुत बड़ा परेशानी होती है। चलिए उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, ये यूनिट सर्कल है। इस यूनिट सर्कल का नाम इसलिए यूनिट सर्कल दिया क्योंकि एक यूनिट रेडियस को एज्यूम करके इस सर्कल को ड्रॉ किया गया, इसीलिए इसको यूनिट सर्कल दे दिया गया। सबसे पहली चीज़ ये बताइए, ये जो है अब ये एक क्वाड्रेंट में एंगल कितना होता है? आपको पता है कि 90 डिग्री होता है एक क्वाड्रेंट में एंगल, तो ये क्वाड्रेंट का एंगल हो गया 90 डिग्री। तो ऑब्वियसली दूसरा क्वाड्रेंट का क्या हो जाएगा? 180, क्योंकि 90 को अगर एक बार पढ़ेंगे, 0 को 90 तक लाने में एक बार होगा, फिर 90 को दो बार मूव करेंगे तो 2 होगा, फिर 3 बार मूव करेंगे तो 390 होगा, और फिर 4 बार करेंगे तो 490 होगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको अगर हम 0 डिग्री बोलें तो 0 डिग्री हम बोल देते हैं फुल्ली, ठीक है। अगर हम आगे चलकर देखेंगे, अगर इसको रेडियन में लिखना चाहें तो 0 रेडियन ही ऐसा लिखा जाएगा, क्लियर है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना एंगल्स का रोटेशन होगा, और क्या कौन सा एंटी क्लॉक वाइज है तो पॉजिटिव एंगल होगा। तो ये हो जाएगा आपको, एंगल अगर देखिएगा तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री को अगर हम रेडियन में बदलना चाहें तो 90 डिग्री को रेडियन में, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हम आपको बताए हैं कि पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 0 0 कट गया, 9 2 18 तो बराबर कितना हो गया? पाई बाय 2, यानी 90 को हम पाई बाय 2 लिख सकते हैं इन रेडियन। तो ये यहाँ पे हम पाई बाय 2 दर्शा दिए, क्लियर है। अब देखिए, एक रोटेशन तो ये हो गया, दूसरा रोटेशन, अब ये 90, एक रोटेशन कंप्लीट करने में हमको 90 डिग्री गया, तो दूसरा रोटेशन कंप्लीट करने में ये क्या हो जाएगा? तो पाई बाय 2 के बाद दो बार देगा तो 2 पाई बाय 2 देगा, तो एक रोटेशन करने में पाई बाय 2 दिया, दूसरा रोटेशन में क्या 2 पाई बाय 2 दिया, तो ये एंगल हमारा हो जाएगा 2 पाई बाय 2, तो 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा पाई रेडियन, क्लियर है। अब यही पाई बाय 2 एक रोटेशन, यहां से यहां तक दो रोटेशन, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? 3 रोटेशन, तो यहां क्या हो जाएगा? 3 पाई बाय 2, और यही पाई बाय 2 को यहां तक आने में कितना होगा? 4 रोटेशन, तो 4 पाई बाय 2, यानी पाई बाय 2 को कितना बार रोटेट किए यहां पे, कितने 90 पर रोटेट किए? 190, 290, 390 और 490 पर, इसलिए 2 कट जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा? 2 पाई, यानी 0 डिग्री को हम 2 पाई रेडियन से भी दिखाते हैं, क्योंकि अगर स्टार्ट करते हैं तो 0, अगर अंत जाते हैं तो क्या कितना एंगल बनाता है? 0 से लेकर के यहां तक कितना बना एंगल बनाएगा? 2 पाई, क्योंकि आज रेडियन पर बात करेंगे, डिग्री पर बात नहीं करेंगे। अब एक बात बताइए, ये जो है, ये जो एंगल है, ये बीच का एंगल है, इसको हम लोग यहाँ से ऐसे ड्रॉ किए, तो ये नहीं पाई बाय 2 का ये क्या है? आधा है, तो ऑब्वियसली ये भी बीच का एंगल है, तो अब ये भी इसके इसके बीच का एंगल है, ये भी इसके इसके बीच का एंगल। अब एक बात है, पाई बाय 2 को हाफ कीजिएगा, तो पाई बाय 2 को हाफ कीजिएगा मतलब बाय 2 कीजिएगा, तो पाई बाय 2 को हाफ कीजिएगा तो यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, तो क्या हो जाएगा? 1 बाय 2, यानी क्या हो गया? पाई बाय 4, ये एंगल आपको क्या मिल गया? पाई बाय 4। अगर पाई बाय 4 को, अब देखिए यहां से एक रोटेशन करने पर, अब हम पाई बाय 4 को बेस एंगल मान के रोटेट कर रहे हैं, तो पाई बाय 4 यहां पे 0 पाई बाय 4 था, ये यहां से आने में 1 पाई बाय 4, यहां तक आने में क्या होगा? 2 पाई बाय 4, 2 पाई बाय 2 कैंसिल हो गया, तो यहां क्या हो जाएगा? 2 पाई बाय 4, तो 2 पाई बाय 4 को अगर यहां देखिएगा, देखिए 2 पाई बाय 4, तो 2 कट गया, क्या होगा? पाई बाय 2, ये ऑलरेडी हम अंकित कर चुके हैं। उसके बाद पाई बाय 4, 2 पाई बाय 4 यहां पे आएगा क्या? 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 हो गया। उसके बाद यहां जो आएगा क्या होगा? 4 पाई बाय 4, 4 पाई बाय 4 को अगर कीजिएगा तो 4 कट जाएगा, यहां कितना आ जाएगा? पाई रेडियन, ये तो आ चुका है, तो पाई बाय 4, 2 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 4 पाई बाय 4, यहां पे कितना आ गया? 5 पाई बाय 4, तो ये एंगल हो गया 5 पाई बाय 4, और यहां कितना हो जाएगा? 6 पाई बाय 4, 6 पाई बाय 4 को अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो यहां पे देखिए 6 पाई बाय 4 को कैलकुलेट कीजिएगा तो 3 2 6 2 4 क्या आ जाए? 3 पाई बाय 2, ये एंगल हम दिखा चुके हैं, तो 6 पाई बाय 4 यहां कितना हो जाएगा? 7 पाई बाय 4, और फिर यहां क्या आ जाएगा? 8 पाई बाय 4, 8 पाई बाय 4 को देखिएगा 4 2 8 कितना हो जाएगा? 2 पाई, ऑलरेडी हम लोग अंकित कर चुके हैं।
तो ये एक तरीके से पाई बाय फोर को बेस लेकर के हम जो यूनिट सर्कल पर रेडियन के फॉर्म में एंगल को तो हम दर्शाने के लिए सीख गए। अब हमारे पास और भी एंगल्स बचे हुए हैं, जैसे आप लोग टेंथ क्लास में पढ़े थे स्पेशल एंगल, तो उसमें से एक एंगल तो आ गया पाई बाय फोर, एक दूसरा भी आ गया जीरो डिग्री और तीसरा भी आ गया पाई बाय टू, लेकिन और दो एंगल है 30 और 60। तो 30 का कॉम्बिनेशन करने के लिए भी देखिए, एक 30 यहाँ आ गया, एक सेक्टर अब 30 तो ये तो 45 हो गया, तो दूसरा सेक्टर में 30 अगर यहाँ पे लेके चलेंगे, इसी को आगे बढ़ा दीजिए, उसके बाद ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो ये हो गया 60, ठीक है। और ये हो जाएगा, अब यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ 60 30 90, यहाँ क्या हो 120 हो जाएगा, तो ये इसको यहाँ तक ले जाएगा, फिर यहाँ जाइएगा तो यहाँ तक आ जाएगा, तो इस तरीके से आ जाएगा। अगर 30 में अगर हम थोड़ा देर के लिए दिखाएं, ये 30 है, एक सेक्टर में कितना एंगल बना रहा 30 डिग्री बना रहा, तो दूसरा सेक्टर में कितना बनाएगा 60 डिग्री, थर्ड सेक्टर में कितना बनाएगा 30 30 60 30 90 30 120 डिग्री, फिर ये तो 15 है, इस पर दिमाग तो लगाना नहीं है, फिर ये 30 जाएंगे तो 120 और 30 कितना हो जाएगा 150, फिर ये 180, फिर ये 30 बना रहा है तो कितना हो जाएगा 150 80, और 180 और 30 जोड़ दीजिए 180 20 200 210 हो जाएगा, 210 में फिर 30 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 210 में ये 210 हुआ और ये हो जाएगा आपका 30 240 डिग्री, ठीक है। 240 में 30 जोड़िएगा तो हो जाएगा 270, 270 में 30 जोड़िएगा तो हो जाएगा 270 में 30 जोड़ दीजिए, 270 में 30 जोड़िएगा तो 300 डिग्री हो गया, ये 300 डिग्री हो गया, और ये हो जाएगा फिर 30 डिग्री जोड़िएगा 330 डिग्री, ये तो आ गया। चलिए ये डिग्री में लिखने के लिए हम जान गए, रेडियन में बहुत आसान है। देखिए पहले तो आप 30 डिग्री को रेडियन में बदल लीजिए, 30 को रेडियन बदलेंगे क्या पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 0 कट रहा है, ये कितना हो जाएगा पाई बाय 6 हो गया, तो ये पाई बाय 6 हो गया। तो अब देखिए एक रोटेशन पे पाई बाय 6 तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये दूसरा रोटेशन पे यहाँ आएगा, दूसरा रोटेशन क्या हो जाएगा 2π/6, 2π/6 को अगर हम कैलकुलेट करें 2π/6 को तो 2 तो कितना आ जाएगा π/3, तो ये एंगल कितना हो गया आपका π/3 रेडियन में, क्लियर है। अब देखिए π/6 एक रोटेशन, दूसरा 2π/6, तीसरा जो होगा ये 3π/6 होगा, तो 3π/6 को दीजिएगा, 3π/6 को अगर कैलकुलेट कीजिएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं 3π/6 को अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा π/2 आ गया, दिया काम खत्म। अब यहाँ कितना हो जाएगा 4π/6, तो 4π/6 को हम कैलकुलेट करते हैं यहीं पे, 4π/6 को अगर हम कैलकुलेट करते हैं 2 × 4 3 × 6 तो कितना आ जाएगा 2π/3 हो गया, 2π/3 हो गया, क्लियर है। अब यहाँ कितना हो जाएगा 4π/6 यहाँ आया था, अब यहाँ क्या होगा 5π/6, तो 5π/6 तो ये ऐसा ही रहेगा क्योंकि इसको काट कूट नहीं सकते हैं, 5π/6 यहाँ कितना होगा 7π/6 हो जाएंगे, ये 5π यहाँ 6π/6 सिक्स कट जाएगा पाई बाय और 6π/6 तो ये हो जाए कितना 7π/6, तो 7π/6 को ये इसमें भी काट नहीं सकते, ये कितना हो गया 7π/6, ये कितना हो जाएगा 8π/6, तो 8π/6 को अगर आप देखिएगा तो यहाँ देखिए 8π/6 तो 4 × 8 3 × 6 तो कितना 4π/3 हो गया, तो ये क्या होगा 4π/3, तो ये कितना 8π/6, ये कितना हो गया 9π/6, 9π/6 को फिर अगर हम देखेंगे तो 9π/6 को देखिएगा 3 × 9 3 × 6 तो क्या 3π/2 चलिए आ गया 9π/3, यहाँ कितना हो जाएगा 10 10π/6, तो 10π/6 को अगर हम देखें तो अगर हम 10π/6 को देखें 10π/6 को अगर हम देखें तो 5 × 10 3 × 6 तो कितना आ गया 5π/3 हो गया, ये एंगल कितना हो गया 5π/3 हो गया, तो ये कितना हो गया 11π/6, तो 11π/6 तो 11π/6 ही रहेगा क्योंकि कटेगा नहीं, और ये कितना होगा 12π/6, 12π/6 को अगर आप कीजिएगा तो 2π के बराबर होगा। इस प्रकार हम एंगल्स को दिखाने के लिए सीख लिए, बहुत ही एक्सप्लेन फॉर्म में हम दिए हैं, और ये आपको कल के डेट में कल पूछेगा कि sin π/6 का मान क्या होगा, sin π/4 का मान क्या होगा, π/2, तो आपको डिग्री में नहीं करना, डिग्री में हम क्लास 10 तक सीखे थे, क्लास 10 में ही रहने दीजिए। अब हम लोगों को पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है क्लास 11 में, इवन की पूरी मैथमेटिक्स 11 12 का
जब भी हम बात करेंगे तो हमको रेडियन में बात करना है, इसीलिए इन एंगल्स को पहले अगर दिखाने के लिए आ गया तो हम अगला चैप्टर जो आपका आने वाला है उसमें हम आपको ये बताएंगे साइन पाई बाई सिक्स का मान क्या होगा, टेन पाई बाई सिक्स का मान क्या होगा, कोसेक पाई बाई सिक्स का मान क्या होगा, या थ्री पाई बाई साइन थ्री पाई बाई फोर का मान क्या होगा, या साइन फोर पाई बाई थ्री का मान क्या होगा, या साइन इलेवन पाई बाई सिक्स का मान क्या होगा। तो ये सारे एंगल्स आपके ब्रेन में रहेगा, कोई भी डॉक्यूमेंट्स को चिपकाने की जरूरत नहीं है गेट पर। तो इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए कि सर कैसे यूनिट सर्कल पर एंगल्स को अरेंज किए हैं, और बहुत ही डीप स्टडी करने के बाद हम एक इजी वे में कोशिश किए कि आपको समझ में आ जाए, आपको रटने की ज़रूरत ना हो, चिपकाने की ज़रूरत ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बात समझ में आया होगा, और एक एक बात को समझते हुए नोट्स तैयार करते चलिए। इंशाल्लाह हम लोग इसी प्रकार इसी तरीके से हम लोग पूरी ट्रिग्नोमेट्री और ट्वेल्थ में मैट्रिसेस को ख़त्म करेंगे, फिर जैसे ही ख़त्म होगा फिर आगे की डिस्कस करेंगे क्या करना। हाँ, आप लोगों का जो भी राय है, अगर आपको और भी कुछ एडिशन इन्फॉर्मेशन चाहिए, हो सकता है कि मिस्टेक मेरे से हो गया होगा, कहीं पे छूट गया है कोई भी चीज़, कोई कंटेंट, तो आप लोग राय दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि हम उस चीज़ को करके मेहनत करके बेहतर से बेहतर कंटेंट ला करके आपको अवगत कराएं। चलिए फिर, ओके, बाय, थैंक यू।